हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको मोबाइल में प्राइवेट डीएनएस यूज करने का ऑप्शन बताऊंगा और इसकी हेल्प से आपका इंटरनेट ब्राउजिंग सिक्योर होगी और आपकी इंटरनेट स्पीड भी अच्छी होगी। क्योंकि क्या है कि जो डीएनएस यूज किया जाता है वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से होता है और उसमें लॉट ऑफ ट्रैफिक आने की वजह से आपकी स्पीड भी स्लो होती है और सिक्योर भी नहीं होता है। जैसे इससे क्या है कि आपकी डीएनएस हाईजैकिंग या डीएनएस पॉइजनिंग या डीएनएस रीडायरेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है, जिससे आपको हैकिंग की आपके मोबाइल फ़ोन हैक हो जाते हैं या आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट डीएनएस यूज करते हैं तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को और ब्राउजिंग को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर्स जो प्राइवेट डीएनएस का ये फीचर यूज करने का ऑप्शन सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन 9 में ही ऑप्शन आया हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को डीएनएस ओवर टीएलएस कहा जाता है। तो जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल यानी 9 या उस या एंड्रॉयड 10 वर्जन है तो उसमें आप प्राइवेट डीएनएस यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से सर्विस प्रोवाइडर पब्लिक के लिए प्राइवेट डीएनएस उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि यूजर इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। जैसे क्लाउड फ्लेयर ने भी अपना प्राइवेट डीएनएस ने प्रोवाइड किया है। जैसे 1.1.1.1.cloudflare/dns.com, इसी तरह Cort9, क्लीन ब्राउजिंग, क्लीन गूगल DNS। इन प्राइवेट DNS यूज करने से आपका क्या है कि कंटेंट जो मैलिशियस डोमेन को भी ब्लॉक कर सकता है, एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है, तो इससे आपकी जो है मोबाइल ब्राउजिंग जो है सिक्योर हो जाती है। तो आपको आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपके मोबाइल में ये प्राइवेट डीएनएस कैसे यूज करते हैं। आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्राइवेट डीएनएस को ऑन करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने लिस्ट डीएनएस ओवर टीएलएस प्रोवाइडर्स का लिस्ट मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, उनका कोई भी डीएनएस यूज करके आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैंने अभी क्लीन ब्राउजर का मतलब डीएनएस यूज किया, जैसे family-filter-dns- क्लीन ब्राउजिंग .org। इसको टाइप करने के बाद आप इसको सेव कर दें और होम पेज में आ जाए। अब इसके बाद जो भी ब्राउजिंग आप करेंगे वो आपकी सिक्योर ब्राउजिंग होगी और इससे आपको डीएनएस हाईजैकिंग या डीएनएस पॉइजनिंग या डीएनएस रीडायरेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बात रही सिर्फ मोबाइल में ओवी एंड्रॉयड 9 वर्जन में। इसके अलावा अगर डीएनएस ओवर टीएलएस प्राइवेट डीएनएस यूज करना चाहते हैं तो आप वायरलेस राउटर में भी यूज कर सकते हैं और आप पुराने वर्जन में भी कुछ ऐप्स इंस्टॉल करके उसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आईटी सेशन लाइव।